हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ चटपटर सी इजी सी रेसिपी, जो है हमारा आलू टिक्की चाट। क्योंकि ना बरसात में ना ये चाट पकौड़ी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चाट की करते हैं रेसिपी की शुरुआत। बट अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और याद से बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम रेसिपी की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं जो ब्राउन वाले जो बटरे आते हैं ना, इसे बटरे बोलते हैं, वो लिया है। और इसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और इसकी अभी हमें लेनी है सीटी। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी। पानी को थोड़ा सा बटरे के ऊपर रखिए, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल करना है। और मीडियम फ्लेम पे इसे हम रख देते हैं 4 से 5 सीटी के लिए। तो जब तक हमारे मटर हो रहे हैं बॉयल बटरे, तब तक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेते हैं, और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 3 चम्मच के लगभग तेल। तो ये हो गया 2 चम्मच, और ये हो गया हमारा 1 चम्मच तेल। तो तेल को हल्का सा हम गर्म हो जाने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, और इसके साथ इसमें हम डाल रहे हैं राई। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से क्रैकल हो जाने देते हैं। अगर आपको लगता है आप हींग भी डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे जीरा और राई हो गए हैं, तो इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं प्याज और हरी मिर्च। ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लाल मिर्च खड़ी वाले डालने हैं वो भी डाल सकते हैं। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते जाते हैं, और 1 से 2 मिनट हो गए हैं तो हमारे प्याज बिल्कुल सिक गई है, ट्रांसपेरेंट इसका कलर आ गया, गुलाबी गुलाबी भी हो गई है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच। हाँ, तो मेन ट्रिक ये होती है, जो बेसन है ये भुना हुआ नहीं है, नॉर्मल बेसन है। क्योंकि बेसन क्या करेगा, जो हम मटर या बटरे बोलते हैं उसे, वो डालेंगे ना तो उसमें एक बाइंडिंग और एक थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। वरना क्या होता है, पानी अलग होता है, मटर अलग होती है। तो इसलिए इसमें आप डालिए बेसन, और बेसन डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले हम डालेंगे बेसन डालने के बाद, क्योंकि ये बेसन में अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए इन मसालों का। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ट्राई करके देखिए कि अगर आप इसमें बेसन डालेंगे ना, तो हमारे जो बटरे जैसे बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, जैसे आलू टिक्की चाट मिलता है ना वहाँ पे इस तरीके से। तो ये मसाला बिल्कुल हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे बॉयल की हुई मटर या बटाटा। तो ये इसे अब हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो मटर भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं, क्योंकि मैंने इसकी ली थी 4 से 5 सीटी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, तो इस तरीके से जो हमारे बटरे हैं वो गल जाने चाहिए, तभी जो हमारा चाट का है ना वो फ्लेवर आएगा। तो बस इसमें अब हम डाल देते हैं पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास के लगभग डाला है, और इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। और इसे अभी हमें करना है बॉईल मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे, जैसा आपको ठीक लगता है। तो ये बॉईल हो रहा जैसे होगा ना, तो इसमें हम डालेंगे केवल लास्ट में गरम मसाला, और ये हो जाएगा बिल्कुल रेडी। तो ये देखिए, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, और ये गाढ़ा भी हो गया और हल्का सा। और बस इसमें अब हम डाल देंगे लास्ट में हल्का सा गरम मसाला, और इस टाइम पे इसे मिक्स करके गैस कर दीजिए बंद, क्योंकि इसमें हमने डाला है बेसन, तो क्या होगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा नहीं तो। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है, और अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए ना, तो उस टाइम पे आप इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल दीजिए। तो बस गैस कर देते हैं बिल्कुल बंद, क्योंकि हमारे पटाटा या मटर बोल दीजिए आलू चाट के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस अब हम करते हैं तैयारी हमारी आगे की चीज की, वो है हमारी टिक्की। तो टिक्की के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/2 केजी आलू, इसके साथ हम ले रहे हैं हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया। तो आलू को आप ध्यान रखिए कि इसे हमें काट के बॉईल नहीं करना है, एज इट इज बॉईल करना है लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी तक। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे बॉयल पोटेटोज हैं इन्हें हम इस तरीके से मैश करते जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ना मैंने सारे आलू ले लिए हैं, और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारे बाकी के मसाले।
तो अब सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, या आपके पास मैदा हो तो मैदा डाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें डाल रही हूँ, कॉर्नफ्लोर और मैदा, डेढ़ डेढ़ चम्मच के लगभग। तो कॉर्नफ्लोर मैदा डल गई है। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स होते हैं, वो चिली फ्लेक्स से ना इसमें टेस्ट है ना, फ्लेवर बहुत थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आने लगेगा। तो इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, ये जस्ट मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं फ्रेश हरा धनिया, और इसके साथ पुदीना भी अच्छा लगता है, वो डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। और लास्ट में थोड़ी सी हम डाल देते हैं जो हमने अदरक और हरी मिर्च लिया था ना वो। तो ये हो गई हमारी हरी मिर्च, और इसके साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। तो अदरक को मैं क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि जो उसके क्रश करते हैं ना तो जो टेस्ट है ना हमारे अदरक का टिक्के के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आप कर लीजिए मैश। तो एक इसका एक अच्छा सा आटा सा मर जाएगा, तभी क्या होगा जो हमारी टिक्की है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डो हमारा बन गया है, पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालना है, आराम से ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और एक इस तरीके का डो हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसे आप ना 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि जब हमें टिक्की बनाना रहे तो हम आराम से हमारी टिक्की बना सकें। तो यहाँ पे ना 10 मिनट हो गए हैं, और अब फटाफट से हम करते हैं टिक्की बनाने की तैयारी। तो ये देखिए, पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें इवन साइज की टिक्की चाहिए, तो हम पहले फटाफट से क्या कर लेते हैं, जो हमारी टिक्की हैं इनकी प्रॉपर बॉल्स हम निकाल के रख लेते हैं, ताकि हमारी टिक्की एक सी बने। तो ये देखिए, सारी टिक्की को इस तरीके से आप बॉल बना लीजिए, और जस्ट इसे अब हम इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे। और बस हाथ में अगर आपको लग रहा है तो आप हल्का सा चाहें तो इसमें जो तेल होता है या पानी होता है वो अपने हाथ पे लगा लीजिए, ताकि आपके हाथ पे वो चिपके ना। वैसे हमने इसमें जो मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला ना, तो उसके कारण ये ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा। तो बस ये सारी बॉल्स हमारी बन गई हैं, इवन साइज की बना ली है, और बस अब इसको हम दे देंगे प्रॉपर टिक्की का शेप। ये देखिए, तो ध्यान रखिए कि ऊपर से फ्लैट करिए, वरना क्या होगा वही सरफेस अच्छे से सिकेगा, बाकी वाला नहीं सिकेगा। तो ये देखिए, सारी टिक्कीज को मैं इसी तरीके से एक प्रॉपर शेप दे देती हूँ जो हमने बॉल्स बना के रखी हुई हैं। और ध्यान रखिए कि जो वो इसके कॉर्नर्स है ना वो फटे ना, तो इस तरीके से आप कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा दबा दीजिए। तो इसी तरह मैं क्या करती हूँ, सारी टिक्की को फटाफट से मैं बना लेती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हो गई है हमारी ये सारी टिक्की बिल्कुल रेडी। और बस अब इन्हें हमें क्या करना, तो बस अब इन्हें हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरीके का पैन ले लीजिए, या आपके पास बड़ा तवा तो वो ले लीजिए लोहे का। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना सा गर्म करना है, और इसमें हम डाल देते हैं तेल। तो इसमें जाएगा हमारा 4 से 5 चम्मच के लगभग तेल, क्योंकि इसमें फिर हम बाद बाद में तेल नहीं डालेंगे, एक बार में हम डाल रहे हैं बस। तो तेल को पूरे में फैला दीजिए, और जल्दी से हम हमारी जो टिक्की है ना उसको रखते जाते हैं, और इसको इस तरीके से मैं घुमा देती हूँ। और ये आ गई हमारी लास्ट वाली टिक्की, 5 टिक्की। और बस अब इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ताकि एकदम से वैसा ना हो कि जल जाए। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, और इसे थोड़ा सा कंटिन्यूसली आप थोड़ा सा चलाते रहेंगे ना, तो आपको ये चिपकेगी नहीं नीचे। और ये देखिए, इसको अब हम करते हैं टर्न। तो इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, ये देखिए यहाँ पे। तो बस ये जो टिक्की है बिल्कुल यहाँ पे हो गई है रेडी, ये देखिए। और दूसरे साइड में भी जब तक इस तरीके से कलर नहीं आता, इसे हमें सेकना रहेगा। इस वाली लास्ट वाली को भी हम टर्न कर देते हैं, और इसे भी मुश्किल से अब 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, और बस इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम क्या कर लेते हैं, सेक लेते हैं। तो ये देखिए, इस साइड भी कलर अच्छा सा आ गया है। अगर आपको लगता है कि आपको इसको और क्रिस्पी करना है, तो इसको आप और क्रिस्पी कर सकते हैं। तो मैं भी इसको हल्का सा क्रिस्पी कर लेती हूँ, और
और ये हो गई जो टिक्की हमारी यहाँ पे सारी की सारी रेडी। तो टिक्की यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखिए कलर भी इसका अच्छा आ गया है। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो बस हमारी टिक्की भी रेडी है और जो हमने बटाटा बनाया था ना, जो मटर वाला चाट के लिए जो बनता है, वो भी दोनों चीज हो गई हैं रेडी। तो बस अब फटाफट से हम करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहले हमारे झिनी सेव, इसके बाद बारी आती है हमारी चटनी की, धनिया और पुदीने की चटनी है, इसके साथ हमारे आमचूर और खजूर की चटनी है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद हमारी आ रही है दही, दही के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी प्याज। तो ये हो गई हमारी पूरी चाट वाली दुकान। ये देखिए अब फटाफट से करते हैं हम आगे की तैयारी। तो एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे टिक्की, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो टिक्की। तो ये हो गई हमारी दो टिक्की। इसके बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जो हमने बनाया था ना बटाटे हमारे, वो आ रहे हैं। तो मैंने बोला था ना ठंडे होने के बाद ये अच्छे से गाढ़े से हो जाते हैं, तो ये देखिए ये अच्छे से हो गए गाढ़े से। इसके बाद इसमें हम डालेंगे वो है हमारा दही। तो दही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। तो दही को भी अच्छे से डाल दिया है। दही के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी हरी चटनी। तो ये देखिए हरी चटनी में 1 चम्मच के लगभग मैं डाल रही हूँ। हरी चटनी के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी आमचूर और खजूर की चटनी। तो ये हो गई हमारी आमचूर और खजूर की चटनी। लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज, क्योंकि बिना प्याज तो चाट बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है। तो बस ये हो गई हमारी हरी प्याज। लास्ट में डालते हैं झिनी सेव और बस इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया, क्योंकि हरी धनिया तो लास्ट में बहुत ज़्यादा मस्त दिखती है। हरी धनिया डल गई है और इसके बाद बस इसमें अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा डाल दीजिए जीरा पाउडर, थोड़ी सी नमक या चाट मसाला और हमारी ये डल गई लाल मिर्च। तो बस टेस्टी टेस्टी चाट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस इस मानसून के मौसम में आप ये चाट की रेसिपी को एंजॉय कीजिए, फटाफट से बनाइए इस तरीके से और अपने घर वालों को खिलाइए और उनको ज़रूर बताना कि आपने ये रेसिपी देखी थी गुड ईट्स पे अनुपमा पे। तब तक बी सेफ बी हेल्दी और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।